नमस्कार, यूपीएससी में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान, आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। रतलाम ब्यूरो, भैरूलाल मालवी की रिपोर्ट। कृषि उपज मंडी के कर्मचारी अधिकारी भी हड़ताल पर। देखते रहिए UBN 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए UBN 08 के साथ। 25 सितंबर 2020 शुक्रवार से संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी भोपाल के आह्वान पर कृषि उपज मंडी के कर्मचारी अधिकारी भी हड़ताल पर मंडी गेट के बाहर ही बैठे हैं। मंडी कर्मचारियों ने बताया कि 15 दिन में मॉडल एक्ट के संबंधित मांगों के निराकरण का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। सरकार की वादा खिलाफी और मॉडल एक्ट में संशोधन सहित विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल जारी रहेगी। अभी नई फसल भी फक्र तैयार हो चुकी है, बेचने में मंडी में आएंगे, लेकिन हड़ताल की वजह से उनकी फसल बिक नहीं पाएगी। इस मौके पर संभागीय अध्यक्ष अतुल पांडे, सह सचिव के नरकावे, मुख्य सलाहकार PL मुजावदिया, सचिव सुरेश शर्मा, संगठन मंत्री अजय कुमार उपाध्याय, अध्यक्ष सुरेंद्र कोचक, सचिव नारायण ब्राह्मण एवं महिला मोर्चा की संभागीय अध्यक्ष श्रीमती मनीषा चौहान, कोषाध्यक्ष मुकेश देवड़ा, उपाध्याय असलम खान, प्रीतम परमार, संगठन मंत्री विष्णु दास बैरागी एवं कानूनी सलाहकार मजहर खान, दशरथ पवार एवं प्रचार मंत्री इशरार कुरैशी, दशरथ सिंह पवार, सुरक्षा गार्ड यशवंत कुमार वर्मा सहित अन्य कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। तीनों तरीके से हमें उपस्थिति देनी होगी और ये मंडी, ये हमारे हित की बात नहीं है, ये कर्मचारी हित की भी बात है कि आज यदि मंडी रहेगी तो कर्मचारी के साथ साथ जो देश का किसान है उसका हित भी सुधरेगा। यदि मंडियां नहीं रहेगी तो किसान को दर दर के ठोकरे खाना पड़ेगा। आज किसान के पास विकल्प है, मंडी किस मंडी में कम भाव है तो उस मंडी में जाने का विकल्प है, और यहाँ 15-20 व्यापारी है, वहाँ 20-50 व्यापारी है, तो विकल्प यह जाना है। लेकिन यदि मंडियों में ताले लग जाते हैं, मान लीजिए भविष्य में, क्योंकि ये दोहरे मापदंड है, मंडी के अंदर बंदी से, मंडी के अंदर बंदी से नहीं, मंडी के अंदर टैक्स है, बाहर टैक्स नहीं है, यहाँ आप कर्मचारी की नज़र में सब सारा जो भी क्रय विक्रय होता है वो सब कर्मचारी की निगरानी में होता है, बाहर अभी किसी की निगरानी नहीं है। तो ऐसे में दोहरे मापदंड के कारण आने वाले समय में मंडियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो किसान को उस टाइम ये सोच, किसान को उस टाइम किसान के पास ये बहुत बड़ी मजबूरी होगी कि वो इस दुकान से बेचे या उसके पास जैसे दुकान दुकान गोदाम गोदाम भटकना पड़ेगा। दूसरी बात, कोरोना में हम किसानों का शोषण जैसे होता है दुकान दुकान गोदाम गोदाम बेचने में, ये हम कोरोना काल में देख चुके हैं। पूर्व में हड़ताल जो की थी मॉडल एक्ट के विरोध में, तो सरकार ने हमारी कुछ मांगों के संबंध में 15 दिन का समय दिया था, उसकी अवधि पूर्ण हो चुकी है और आश्वासन तो सिर्फ आश्वासन ही रह गए हैं जी। तो हमारी गुजारिश सरकार से भी है कि कम से कम हमारी मांगों के ऊपर ध्यान दिया जाए, मांगों को पूरा किया जाए और मॉडल एक्ट में जो विसंगतियाँ हैं उसको दूर करने की पूरी पूरी कोशिश की जाए, क्योंकि मॉडल एक्ट आज नहीं तो कल किसानों को पता चलेगा कि उनकी पूरी तरह से विरोध में है। आज किसान की जो कृषि उपज मंडी में आती है उसकी श्योरिटी रहती है भुगतान, बाहर भुगतान की कोई श्योरिटी नहीं है। मंडी समिति में जो उसका विश्वास है, उस विश्वास को तोड़ने का जो शासन प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। कर्मचारियों के हितों के लिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो आपने वादे किए हैं कम से कम उसको पूरा किया जाए और हमारी मांगे हैं उसको माना जाए। और इसी तरह से आज 25 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है और ये हड़ताल आगे तक जारी रहेगी जब तक हमारा संगठन हमको आगामी कोई निर्देश नहीं।